को पता है कैपिटल बजटिंग के अंदर जितने भी क्वेश्चंस है उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, बेसिक क्वेश्चंस एंड एडवांस क्वेश्चन। ठीक है, इंटर में आप लोगों ने जो कैपिटल बजटिंग किया होगा वो बेसिक वाला था, सीए सीएमए और सीएस फाइनल के लिए बेसिक्स वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्जाम में, जनरली एडवांस वाले क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कैपिटल बजटिंग के एडवांस वाले क्वेश्चंस के अंदर रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल असेट के क्वेश्चन हो सकते हैं, कैपिटल रैशनिंग के हो सकते हैं, एडजस्टेड एनपीवी, इन्फ्लेशन सेंसिटिविटी एनालिसिस, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, सिमुलेशन, इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग। ऑलरेडी रिप्लेसमेंट पर मेरा वीडियो बन चुका है। ठीक है, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं कैपिटल रैशनिंग, और रिप्लेसमेंट का वीडियो जिसने नहीं देखा है तो मैं कैपिटल रैशनिंग के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, तो इसको आप देख लेना। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कैपिटल रैशनिंग, आइए स्टार्ट करते हैं। कैपिटल रैशनिंग में हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, कंपनी के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन होता है, उसमें एक ही कंस्ट्रेंट होता है वो है फंड यानी कैश। ठीक है, अब कंस्ट्रेंट यानी लिमिटेशन, से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पांच प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन है, प्रोजेक्ट ए बी सी डी एंड ई। से फॉर एग्जाम्पल सबकी कॉस्ट 10-10 लाख रुपए है, यानी अगर मेरे पास 50 लाख रुपीज होते तो मैंने पांचों में इन्वेस्टमेंट किया होता, यानी मैंने पांचों प्रोजेक्ट को अंडरटेक किया होता। यहां पर से फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास सिर्फ 40 लाख रुपीज है, फंड की रिक्वायरमेंट 50 लाख की है, मेरे पास कैश इन हैंड सिर्फ 40 लाख का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं 40 लाख में पांचवें प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता हूं। यहां पे हमको डिसाइड करना है कि वो पांच प्रोजेक्ट में से कौन से प्रोजेक्ट मैं 40 लाख में अंडरटेक कर सकता हूं इन सच अ वे दैट माई टोटल एनपीवी इज मैक्सिमम। इन शॉर्ट ये समझ लो कि हमको वो पांच में से जो बेस्ट प्रोजेक्ट्स है जो वो मेरे 40 लाख के अंदर आ सकते हैं, मुझे मुझे उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें दो पॉसिबिलिटी है कि या तो जो प्रोजेक्ट्स में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट्स डिविजिबल है या फिर वो प्रोजेक्ट्स इनडिविजिबल है। डिविजिबल प्रोजेक्ट्स का मतलब होता है कि मैं फ्रैक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट भी ले सकता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास 10 लाख रुपए है और प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 20 लाख, तो मैं 10 लाख में आधा प्रोजेक्ट भी ले सकता हूं। इसको हम बोलेंगे डिविजिबल प्रोजेक्ट, यानी हम लोग प्रोजेक्ट का फ्रैक्शन ऑफ अ पार्ट भी ले सकते हैं। अगर प्रोजेक्ट इनडिविजिबल है इसका मतलब कि या तो मुझे वो प्रोजेक्ट को पूरा लेना है या फिर मुझे उसको पूरा रिजेक्ट कर देना है, मैं फ्रैक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट अंडरटेक नहीं कर सकता हूं। यहां पे एक सिंपल एग्जाम्पल है कि अगर मशीनरी है तो मशीनरी को या तो मुझे पूरा खरीदना पड़ेगा या तो पूरा छोड़ देना पड़ेगा, यहां पे फ्रैक्शन ऑफ अ मशीनरी लेना पॉसिबल नहीं है। राइट, तो जब भी हम कैपिटल रैशनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमको पहले आइडेंटिफाई करना है कि प्रोजेक्ट डिविजिबल वाला क्वेश्चन है या प्रोजेक्ट इनडिविजिबल है। अगर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन नहीं किया हुआ है तो आप अपना अजम्पशन डालकर सॉल्व करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सिचुएशन वन, मान लो अगर प्रोजेक्ट डिविजिबल है तो कैसे करना है। सबसे पहले हमको चेक करना है कि कैपिटल रैशनिंग एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। राइट, कैपिटल रैशनिंग एग्जिस्ट करेगा व्हेन कैपिटल रैशनिंग इज सेट टू एग्जिस्ट व्हेन फंड अवेलेबल इज लेस देन टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट्स। मैंने एग्जाम्पल दिया था पांच प्रोजेक्ट, सबकी कॉस्ट 10-10 लाख रुपए है फॉर एग्जाम्पल, तो पांचवें प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट हो गया 50 लाख, यानी मेरे पास कैश सिर्फ 40 लाख ही था, इसका मतलब कैश की शॉर्टेज है। इस केस पे हम बोल सकते हैं कैपिटल रैशनिंग एग्जिस्ट करता है।
जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो, पहले देख लेना वेदर कैपिटल रैशनिंग एग्जिस्ट और नॉट। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लू, सपोज 10-10 लाख रुपए का एक प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, 5 प्रोजेक्ट की कॉस्ट 50 लाख हो गई। अब मेरे पास मान लो 55 लाख रुपए है, 55 लाख रुपीज है, मैं 5 प्रोजेक्ट को टेक ओवर कर सकता हूँ, अंडरटेक कर सकता हूँ। इसका मतलब कि कैपिटल रैशनिंग एग्जिस्ट है ही नहीं, हम क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करेंगे उस केस में, क्योंकि पांचों प्रोजेक्ट में मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, हमको ये क्वेश्चन को तभी सॉल्व करना है व्हेन कैपिटल रैशनिंग एग्जिस्ट, यानी हमारे पास जो फंड अवेलेबल है वो टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट से कम है। तो पहले ये चेक कर लेना, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, कैलकुलेट द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ ईच प्रोजेक्ट, PI बोलेंगे इसको हम शॉर्ट में। हमको सारे प्रोजेक्ट्स का PI फाइंड आउट करना है। अब PI कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये बेसिक्स वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने किया होगा, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। PI इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, ये उसका फॉर्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, ये फाइंड कर लेना है सारे प्रोजेक्ट्स का। उसके बाद रैंक द प्रोजेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, तो जो प्रोजेक्ट का PI सबसे ज्यादा है उसको रैंक 1 दे दो, जिसका थोड़ा सा कम है उसको रैंक 2 एंड सो ऑन, यानी हमको हाईएस्ट टू लोवेस्ट PI के रेशियो में रैंकिंग्स करना है। हाईएस्ट वाला रैंक 1 जाएगा, सबसे लोवेस्ट वाला जो रहेगा जिसका PI बहुत कम है वो रैंक में नीचे जाएगा। हाईएस्ट टू लोवेस्ट में हमको रैंकिंग करना है। उसके बाद लास्ट स्टेप, चूज द प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन रैंक्स कंसिडरिंग अवेलेबल फंड। अब हमको रैंक्स के हिसाब से हमारे प्रोजेक्ट्स को चूज करना स्टार्ट कर देना है, यानी हम रैंक 1 सेलेक्ट कर लेंगे, रैंक 2 सेलेक्ट कर लेंगे, रैंक 3 सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन जब तुम प्रोजेक्ट को रैंक वाइज सेलेक्ट कर रहे हो तो ध्यान में रखना तुम्हारे पास कैश इन हैंड कितना है। ठीक है, तो अगर मैं अपने एग्जाम्पल के हिसाब से देखूं, मेरे पास 40 लाख कैश इन हैंड है, तो मैं रैंक 1 सेलेक्ट कर लूंगा 10 लाख का है, रैंक 2 सेलेक्ट कर लूंगा वो भी 10 लाख का है, रैंक 3 रैंक 4 10-10 लाख के है, ये मैं सेलेक्ट कर लूंगा। पहले 4 रैंक के मैंने सेलेक्ट कर लिए, यानी मेरा 40 लाख खत्म हो गया, यहाँ पे मेरा आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है, द फंड रिमेनिंग इज यूज टू टेक अ फ्रैक्शन ऑफ प्रोजेक्ट। अब क्योंकि प्रोजेक्ट डिविजिबल है, अपने एग्जाम्पल में थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, सपोज मेरे पास 45 लाख होते तो मैंने कैसे किया होता, मैंने प्रोजेक्ट 1 जो रैंक 1 था वो सेलेक्ट कर लिया, रैंक 2 रैंक 3 रैंक 4 पहले 4 रैंक तो मैंने पूरे ही सेलेक्ट कर लिए, 40 लाख हो गया। अब मेरे पास कैश बचा 5 लाख रुपीज, तो 5 लाख के अंदर मैं वो 5th रैंक वाले प्रोजेक्ट का आधा सेलेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि 5th रैंक वाले प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी 10 लाख है, पर मेरे पास अभी कैश बचा 5 लाख, तो आई कैन टेक 50% ऑफ 5th रैंक प्रोजेक्ट, क्योंकि डिविजिबल है। ठीक है, वापस से एक बार सबसे पहले देखेंगे कैपिटल रैशनिंग एग्जिस्ट है कि नहीं, यानी हमारे पास जो फंड अवेलेबल है वो कम होना चाहिए। उसके बाद सारे प्रोजेक्ट्स का PI फाइंड करेंगे, PI के बेसिस पे सारे प्रोजेक्ट्स को रैंक्स दे देंगे और रैंक वाइज प्रोजेक्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे, रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3 सेलेक्ट कर लेंगे। लास्ट में कैश अगर कम बचता है तो हम लोग उस प्रोजेक्ट का फ्रैक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, सिचुएशन 2, प्रोजेक्ट्स आर इनडिविजिबल। अगर प्रोजेक्ट्स इनडिविजिबल है, यानी जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, फ्रैक्शन टेक ओवर नहीं कर सकते हैं, उस केस में हम कैसे करेंगे? सेम जैसे यहां पर स्टेप 1 था, यहां पर भी वही स्टेप 1 रहेगा, हमको चेक करना है कैपिटल रैशनिंग एग्जिस्ट और नॉट। उसके बाद हम क्या करेंगे, जितने प्रोजेक्ट्स है हम उसके कॉम्बिनेशन बनाएंगे, सबका NPV पहले फाइंड आउट कर लेंगे, सारे प्रोजेक्ट्स का NPV फाइंड आउट कर लेंगे और हम सारे प्रोजेक्ट्स के कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। जैसे अपने एग्जांपल में A, B, C, D और E 5 प्रोजेक्ट्स है, हम क्या करेंगे, पांचों के कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। जैसे आई कैन कंस्ट्रक्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट A, B और C। ठीक है, अब A, B और C का अगर मैंने बनाया कॉम्बिनेशन, तो
तीनों की कॉस्ट हो गई 30 लाख। अब मेरे पास तो 40 लाख रुपए है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं क्या करूंगा, मैं ट्राई करूंगा कि 40 लाख में जितना फंड मेरे पास है, 40 लाख, वो 40 लाख में जितने प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं मैक्सिमम उतने प्रोजेक्ट्स डालकर मैं कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं ए बी सी और डी का कॉम्बिनेशन बना सकता हूं, पहला कॉम्बिनेशन ए बी सी और डी का, क्योंकि चारों का मिलाकर 40 लाख रुपए होता है, मेरे पास 40 लाख रुपए है। सेकेंड कॉम्बिनेशन में बनाऊंगा ए बी सी और ई का, उसके बाद मैं ए बी डी और ई का बनाऊंगा, यानी जितने कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो मैक्सिमम उतने आपको बनाना है। सारे कॉम्बिनेशन बनने के बाद हम क्या करेंगे, जितने कॉम्बिनेशन हमने बनाए हैं हम उसका एग्रीगेट एनपीवी कैलकुलेट करेंगे। जैसे अगर मेरा पहला प्रोजेक्ट का पहला कॉम्बिनेशन ए बी सी डी चार प्रोजेक्ट का था, तो हम वो चार प्रोजेक्ट का टोटल एनपीवी दिखाएंगे। इस तरीके से हमारे पास सारे कॉम्बिनेशंस के टोटल एनपीवी अवेलेबल होना चाहिए। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, जिस कॉम्बिनेशन का एनपीवी हाईएस्ट रहेगा हम वो कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर लेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। ठीक है ना, वापस एक बार देखते हैं, पहले चेक करना है कैपिटल राइजिंग एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। ठीक है, और जितने कॉम्बिनेशन हमने बनाए उसका सारे कॉम्बिनेशंस का एनपीवी फाइंड आउट कर लेंगे, एग्रीगेट एनपीवी, और जिस कॉम्बिनेशन का एनपीवी हाईएस्ट रहेगा वो कॉम्बिनेशन हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, दो दो नोट्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो हमको एक चीज याद रखना है कि वो कॉम्बिनेशन का जो टोटल कॉस्ट होगा वो तुम्हारे फंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, मेरे पास जितना फंड है मैं उतने ही तो प्रोजेक्ट टेक ओवर करूंगा ना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, सेकेंड नोट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स आर नॉट टू बी पुट इन वन कॉम्बिनेशन। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स का मतलब होता है ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसको दोनों को एक साथ हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, अगर ए और डी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो आइदर आई कैन टेक ए और डी, मैं दोनों भी टेक ओवर नहीं कर सकता हूं। तो अगर आप कॉम्बिनेशन के अंदर ए और डी डाल देंगे तो फिर क्या होगा, वो दोनों प्रोजेक्ट जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है अगर वो एक कॉम्बिनेशन में आ गए तो हमको फिर वो कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन जब सेलेक्ट करेंगे तो ए और डी साथ में दोनों आ जाएंगे, हमको या तो ए चाहिए या तो डी चाहिए। तो व्हेन देयर इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स ट्राई टू सेलेक्ट ओनली आइदर ए और डी इन अ कॉम्बिनेशन, दोनों कॉम्बिनेशन में, एक कॉम्बिनेशन में आप दोनों डालना मत। ठीक है, तो एक बार दोनों में फटाफट आपको रिवाइज करा दूं, अगर प्रोजेक्ट डिविजिबल है तो पीआई फाइंड करो सारे प्रोजेक्ट्स का, पीआई के बेसिस पे रैंकिंग्स दे दो और रैंक वाइज आपको सिलेक्शन करना है। अगर प्रोजेक्ट्स इनडिविजिबल है तो कॉम्बिनेशंस बनाओ, सारे कॉम्बिनेशंस का हाईएस्ट एनपीवी जिस कॉम्बिनेशन का रहेगा हमको वो कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स है तो हम एक कॉम्बिनेशन में वैसे प्रोजेक्ट्स को डालेंगे नहीं। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन देखना, इन अ कैपिटल रैशनिंग सिचुएशन इन्वेस्टमेंट लिमिट हमारे पास 25 लाख की है, यानी फंड अवेलेबल कितना है 25 लाख। सजेस्ट द मोस्ट डिजायरेबल फिजिबल कॉम्बिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा, इंडिकेट जस्टिफिकेशन अमाउंट लैक्स में हमको दिए है। तो क्वेश्चन देखना, हमारे पास चार प्रोजेक्ट्स है ए बी सी और डी, चारों की कॉस्ट हमको दी है, हमको सबसे पहले चेक करना है प्रोजेक्ट डिविजिबल है या प्रोजेक्ट इनडिविजिबल है। तो क्वेश्चन में आप लास्ट में देख लेना, अज्यूम प्रोजेक्ट्स आर इनडिविजिबल, यानी हमको ये सिचुएशन टू के हिसाब से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले चेक करेंगे कैपिटल रैशनिंग एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, इसके लिए हमको चेक करना है सारे प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट को ऐड करना है। तो ये सबको ऐड करके देख लो, 15 प्लस 10 प्लस 7.5 प्लस 6, दिस कम्स टू 38.5 लाख, जबकि हमारे पास कैश अवेलेबल है 25 लाख। कैश
कैश अवेलेबल इज लेस देन टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट्स। इसका मतलब हमारे पास कैश कम होने के वजह से वी कैन से दैट कैपिटल रेशनिंग एग्जिस्ट। ठीक है, ये स्टेप नंबर वन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, कंस्ट्रक्ट अ टेबल शोइंग द फिजिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स। ठीक है ना, अब हमको कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। ठीक है, जब हम कॉम्बिनेशंस बनाएंगे तो हमको ट्राई करना है कि एक कॉम्बिनेशन के अंदर जितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स आप डाल सकते हो उतने डालना, लेकिन ध्यान में रखना कि वो कॉम्बिनेशन का जो टोटल कॉस्ट है इट शुड नॉट एक्सीड 25 लाख। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आंसर देखना, हमने ए और बी का एक कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, प्रोजेक्ट ए और बी दोनों की कॉस्ट अगर देखो टोटल मिलाकर 25 लाख होता है, 15 प्लस 10 25 लाख। अब मैंने दो का क्यों बनाया, तीन का क्यों नहीं बनाया? अगर तीन का कॉम्बिनेशन बनाता तो टोटल कॉस्ट 25 लाख से ऊपर हो जाती थी। ठीक है, तो हमको 25 लाख या उससे कम का कॉम्बिनेशन बनाना है। उसके बाद लास्ट कॉलम देखो, हमने एनपीवी बताया हुआ है, एनपीवी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये दोनों का 6 प्लस 4.5 10.5 एनपीवी क्वेश्चन में दिया हुआ है। राइट, हमने खाली टोटल कर लिया है उसका। कॉम्बिनेशन टू हमने बनाया ए और सी का, तो ए की कॉस्ट 15 लाख है, सी की कॉस्ट 7.5 लाख है, मतलब टोटल कॉस्ट हो गया 22.5 लाख। अब यहां पर मैंने दो का ही क्यों बनाया, अगर मैं कोई और प्रोजेक्ट ए और सी तो मैंने लिया ही है, बी और डी अगर मैं डालकर देखता हूं तो वो टोटल कॉस्ट 25 लाख से ऊपर हो जाएगी, इसलिए हमने सिर्फ ए और सी को लेकर कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। और ए और सी का एनपीवी ऐड कर लो, 9.6 आएगा। फिर हमने ए और डी बनाया, ए और डी का टोटल कॉस्ट 21 लाख है, टोटल एनपीवी 9 लाख है। फिर बी और डी बनाया और फिर सी और डी बनाया। ठीक है, अब देखना ये यहां से टोटल एनपीवी किसका हाईएस्ट है वो देख लो, तो टोटल एनपीवी 10.5 हाईएस्ट है कॉम्बिनेशन वन का। इसका मतलब कि हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट ए और बी सेलेक्ट करेंगे क्योंकि उसका एनपीवी हाईएस्ट है। क्वेश्चन नंबर टू स्टार्ट करते हैं। वेदिका लिमिटेड विद अ लिमिटेड इन्वेस्टमेंट फंड ऑफ ₹6 लाख, हाँ इसको नोट करना, फंड अवेलेबल है हमारे पास ₹6 लाख का। ठीक है, इज इवेल्युएटिंग द डिजायरेबिलिटी ऑफ 5 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, देयर प्रोफाइल्स आर समराइज्ड बिलो। ठीक है, हमारे पास 5 प्रोजेक्ट्स है, MNOPQ। ठीक है, सबका इन्वेस्टमेंट दिया हुआ यानी कॉस्ट है, एनुअल कैश फ्लो, ठीक है, CFAT दिया हुआ है, एनुअल यानी एन्यूटी है ये। ठीक है, इसकी लाइफ है 10 साल की, तो अगर मैं सिर्फ एम की बात करूं तो एम का 0 ईयर में इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा 0 1 लाख रुपीस का, पर 10 साल की उसकी लाइफ है, एवरी ईयर एनुअल बोला हुआ है, एवरी ईयर 36,000 रुपीस का CFAT आएगा। ठीक है, अब इसका एनपीवी, हाँ ये क्वेश्चन नंबर वन में देखना, क्वेश्चन नंबर वन में एनपीवी कैलकुलेट करके दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर टू में एनपीवी कैलकुलेट करके दिया नहीं है, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब बहुत सिंपल है, एनपीवी फाइंड आउट करना, 36,000 CFAT दिया हुआ है, एन्यूटी है, इसको 10 ईयर के PVFA से मल्टीप्लाई कर लेना, PVFA प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्यूटी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो देखना 10 ईयर का PVFA 6.145 है, 36,000 को अगर 6.145 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगा। ठीक है, अभी एक चीज मैं बता दूं, ये जो लेक्चर है ये CA CA में CS फाइनल के बच्चों के लिए लेक्चर है। ठीक है, तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं ये PVFA कैसे कैलकुलेट करना, मैं वो बताऊंगा। ठीक है, ये आप लोगों ने ऑलरेडी इंटर में सीख लिया होगा। तो 36,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.145 से, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगा 1 लाख, कैश आउटफ्लो है ये माइनस कर देना तो एनपीवी आ जाएगा। वैसे ही एन ओ पी और क्यू,
तब का हमको एनपीवी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोजेक्ट एन एन क्यू आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसको नोट करो, एन एन क्यू आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी अगर मैंने एन सेलेक्ट किया तो आई कैन नॉट सेलेक्ट क्यू, अगर क्यू सेलेक्ट किया तो आई कैन नॉट सेलेक्ट एन, दोनों एक ग्रुप में एक कॉम्बिनेशन में नहीं आ सकते। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ फंड इज 10%, क्योंकि हमको एनपीवी कैलकुलेट करना है तो डिस्काउंट रेट 10% रहेगा। वैसे इसकी नीड नहीं है क्योंकि 10% का पीवीएफए हमको कैलकुलेट करके दिया हुआ है। रिक्वायर्ड, फाइंड आउट द फिजिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड रैंक देम ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी। ठीक है, नाउ अभी क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है कि प्रोजेक्ट डिविजिबल है या इनडिविजिबल है। आपको पता है ये जरूरी है, डिविजिबल अगर है तो हमको अलग स्टेप्स फॉलो करनी है, इनडिविजिबल है तो डिफरेंट स्टेप्स है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया नहीं है लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने एक चीज बताई है, फाइंड आउट द फिजिबल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब देखना कॉम्बिनेशन हम लोग डिविजिबल रहा तो नहीं बनाते हैं, यहां पर हम लोग पीआई फाइंड करके रैंकिंग्स करते हैं। ठीक है, इनडिविजिबल होता है ना तब हम लोग कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो वी कैन अज्यूम कि यहां पर इनडिविजिबल वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे अज्यूमिंग कि ये इनडिविजिबल है। लेट अस स्टार्ट द आंसर। देखना हमने क्या किया है, हमने सारे प्रोजेक्ट्स का एनपीवी फाइंड आउट किया है। कैसे, थोड़ा सा ये अलाइंड नहीं है, हाँ थोड़ा ध्यान से देख लेना, ये सारे प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट है जीरो ईयर की, कैश फ्लोज दिया हुआ है, ये एन्यूटी है मतलब पर एनम है, इसका एन्यूटी फैक्टर 6.145 क्वेश्चन में दिया है, 36,000 को 6.145 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगा 220। इसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो 1 लाख माइनस कर दिया तो ये एनपीवी आ गया। वैसे ही एन का 2 लाख आउटफ्लो है, 1 लाख एन्यूटी है, कैश फ्लो एन्यूटी है, इसको एन्यूटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो में से 2 लाख माइनस कर लेना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, एनपीवी आ जाएगा। वैसे ही ओ पी और क्यू का हम लोग करेंगे। अच्छा, अब हमको कॉम्बिनेशन बनाना है, कॉम्बिनेशन क्यों बनाना है, इनडिविजिबल है अज्यूम किया है हमने। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन बनाना है, जब कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो दो चीजें हमको ध्यान में रखना है, कॉम्बिनेशन के अंदर मैक्सिमम जितने प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं सारे डाल देना, अगर एक प्रोजेक्ट में पांचों आ रहे हैं पांचों भी डाल देना, लेकिन ध्यान रखना टोटल कॉस्ट वो कॉम्बिनेशन की 6 लाख के ऊपर नहीं होना चाहिए, हमारे पास फंड अवेलेबल 6 लाख है, एक चीज ये याद रखना है। सेकेंड पॉइंट के यहां पर देखना, एन एन क्यू आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ये दोनों एक कॉम्बिनेशन में नहीं आएंगे, या तो आप एन डाल दो कॉम्बिनेशन में या तो क्यू डाल दो। ठीक है, तो देखो हमने पहला कॉम्बिनेशन बनाया है एम एन और पी को लेकर। ठीक है, एम एन और पी, अगर मैं एम एन और पी का कॉस्ट ऐड करूं तो वो हो जाता है 6 लाख, और उसका एनपीवी अगर मैं फाइंड आउट कर लूं, टोटल एम का एनपीवी 121,220 था, एन का एनपीवी 1,17,000 था, पी का एनपीवी 325,920 था, ये तीनों को प्लस कर लिया तो 564,140 आएगा, यानी अगर मैंने कॉम्बिनेशन वन सेलेक्ट किया तो इतना एनपीवी हमको मिलेगा। फिर हमने कॉम्बिनेशन टू बनाया एम एन और ओ को लेकर, एम एन और ओ को लेकर बनाया, इसकी कॉस्ट तीनों प्लस करके देख लो 5,40,000 आएगा, और ये तीनों का एनपीवी प्लस कर लो 3,18,320 आएगा। फिर हमने कॉम्बिनेशन बनाया ओ और पी को लेकर, ओ एंड पी, सेम वैसे ही ओ और पी की कॉस्ट 5,40,000 और ओ और पी का एनपीवी प्लस कर लिया 4,06,020 आया। फिर हमने एम और क्यू को बनाया, एन एंड पी लेकर एक कॉम्बिनेशन बनाया, एन एन क्यू लेकर बनाया। ठीक है, अभी एक सेकेंड के लिए सोचो कि हमने कॉम्बिनेशन एम और
एन लेकर क्यों नहीं बनाया, यानी एम और क्यू लेकर बनाया, एन पी लेकर बनाया, एन क्यू लेकर बनाया, एम और एन लेकर क्यों नहीं बनाया? ठीक है, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, जब एक कॉम्बिनेशन के अंदर एम एंड और पी तीन प्रोजेक्ट आ सकते हैं, तो मैं एम और एन लेकर दो प्रोजेक्ट का कॉम्बिनेशन क्यों बनाऊंगा? मैंने पहले ही बताया था कॉम्बिनेशन के अंदर मैक्सिमम प्रोजेक्ट जितने आ सकते हैं उतने बनाना है। अगर मैं एम और एन लेता एक कॉम्बिनेशन के अंदर, तो 1 लाख और 2 लाख 3 लाख ही होते इन्वेस्टमेंट, जबकि मेरे पास कैश 6 लाख रुपए है, राइट? तो हमको ट्राई करना है कि 6 लाख के अंदर जितने प्रोजेक्ट मैक्सिमम आ सकते हैं उतने डालकर कॉम्बिनेशन बनाना, और एक कॉम्बिनेशन के अंदर जो प्रोजेक्ट आ गए वो प्रोजेक्ट को लेकर कॉम्बिनेशन मत बनाओ। जैसे एम एन और पी का एक कॉम्बिनेशन बन गया, तो एम और एन का कॉम्बिनेशन नहीं बनाना, एन और पी का भी नहीं बनाना। यहां पर एन और पी का बनाया है पर उसकी नीड नहीं है। मेरे को बताओ, आप एन और पी वाला कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करेंगे कि एम एन पी वाला सेलेक्ट करेंगे? ऑब्वियसली एम एन पी वाला सेलेक्ट करेंगे। जब एन और पी वाला कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना ही नहीं है तो कॉम्बिनेशन बनाना ही क्यों? तो ये एन एन पी वाले कॉम्बिनेशन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? एम और एन का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, एन और पी का नहीं बनेगा, एम और पी का भी नहीं बनेगा। दूसरे कॉम्बिनेशन में एम एन ओ था, तो एम एन का मत बनाओ, एन ओ का मत बनाओ, एम ओ का मत बनाओ। ठीक है, जब कॉम्बिनेशन हमने बनाए हैं तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जो दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है एन और क्यू, वो दोनों एक कॉम्बिनेशन में नहीं आना चाहिए। तो देख लो, यहां पर एन है लेकिन क्यू नहीं है, यहां पर भी एन है क्यू नहीं है, यहां पर क्यू है लेकिन एन नहीं है, यहां पर एन है लेकिन क्यू नहीं है। ठीक है, और यहां पर एन और क्यू ये भी गलत है, ये भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा ओमिट कर देता हूं। एन और क्यू का भी कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता है क्योंकि वो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैंने वो निकाल दिया। ठीक है, अब हमको करना क्या है, हमको जनरली रैंक्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग जो कॉम्बिनेशन का एनपीवी हाइएस्ट है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहां देख लो, पहले कॉम्बिनेशन का एनपीवी सबसे हाइएस्ट है तो हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे एम एन एन पी, ये वाला कॉम्बिनेशन। हमको सिर्फ कमेंट कर देना है, वी रेकमेंड प्रोजेक्ट एम एन एंड पी एज इट्स एनपीवी इज हाईएस्ट। ठीक है, रैंकिंग क्यों किया है, क्योंकि क्वेश्चन में हमको कहा गया था यहां पर, एंड रैंक देम ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी। ठीक है, वैसे रैंक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, S Limited has rupees 10 lakh allocated for capital budgeting purpose. ठीक है, तो 10 लाख रुपए हमारे पास अवेलेबल है कैश इन हैंड। द फॉलोइंग प्रपोजल एंड एसोसिएटेड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्सेस हैव बीन डिटरमाइंड। ठीक है, तो देखना 6 प्रोजेक्ट्स है, 6 का अमाउंट यानी इनकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दी है, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी कैलकुलेट करके दिया हुआ है, PI भी हमको दिया हुआ है। Which of the above investment should be undertaken? Assume that projects are indivisible and there is no alternative use of the money allocated for capital budgeting. Projects are indivisible. ठीक है, indivisible यानी हमको इस तरीके से करना पड़ेगा, right? Question is कि अगर मुझे indivisible assume करके solve करना है, assume नहीं, question में ही बोला हुआ है, इंडिविजिबल के हिसाब से सॉल्व करना है, मेरे पास एनपीवी होना चाहिए सारे प्रोजेक्ट का, और क्वेश्चन में हमारे पास एनपीवी नहीं है। ठीक है, तो पीआई से भी हम लोग एनपीवी फाइंड आउट कर सकते हैं। अपना पीआई का फॉर्मूला देखो क्या है, पीआई इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, अब ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो है, ये दिया हुआ है 3 लाख रुपीस, और ये डिनोमिनेटर में है। हाँ, तो अगर हम
3 लाख को 1.22 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमको मिल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, न्यूमरेटर मिल जाएगा, ये डिनोमिनेटर है और ये पीआई का आंसर है। डिनोमिनेटर को अगर 1.22 से मल्टीप्लाई किया तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मिल जाएगा, ठीक है। तो आंसर में देखना 3 लाख मल्टीप्लाई किया पीआई से, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गया 3,66,000। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो 3 लाख माइनस करो, एनपीवी आ जाएगा 66,000। सिमिलरली प्रोजेक्ट 2 का कॉस्ट 1,50,000 है, पीआई 0.95 से मल्टीप्लाई किया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गया, इसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस करो 1,50,000, एनपीवी आ जाएगा। ध्यान रखना यहां पर एनपीवी नेगेटिव है। सेम वैसे ही प्रोजेक्ट 3 का 3,50,000 पीआई से मल्टीप्लाई किया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गया, उसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो 3.5 लाख माइनस करेंगे, एनपीवी आ गया 70,000। वैसे ही 4, 5 और 6 का करना है, हमको एनपीवी मिल जाएगा, ठीक है। अब कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, जब कॉम्बिनेशंस बनाएंगे तो याद रखो नेगेटिव एनपीवी वाला प्रोजेक्ट तो हम वैसे भी सेलेक्ट नहीं करते, ठीक है। तो हमारे कॉम्बिनेशन में नेगेटिव एनपीवी वाला प्रोजेक्ट होना ही नहीं चाहिए क्योंकि हमको इसको सेलेक्ट करना ही नहीं है। तो जो भी कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे प्रोजेक्ट 2 को छोड़कर बनाएंगे, ठीक है। चल तो अब कैसे बनाएंगे कॉम्बिनेशन, तो देखो 1, 2 तो लेना नहीं है, 1, 3, 4 अगर मैं लेता हूं, चेक करते हैं 1, 3, 4 का अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाता हूं तो 3,50,000 और 4,50,000, आई थिंक ये 10 लाख के ऊपर जा रहा है। हमारे पास कैश इन हैंड 10 लाख ही है। जो भी कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे वो टोटल कॉम्बिनेशन का कॉस्ट 10 लाख या उससे कम होना चाहिए, ठीक है। तो 1, 3, 4 तो नहीं बन सकता, तो हमने 1, 3, 5 बनाया, ठीक है। 1, 3, 5 की टोटल कॉस्ट 8,50,000 है और उसका टोटल एनपीवी 1,76,000 है, ये हमने प्लस कर लिया 1, 3 और 5 का, ठीक है। फिर 1, 3, 5 का बनाया हमने, 1, 3, 6 का देखो बना सकते हैं क्या, तो 1 का 3,50,000 और 6 का 4 लाख है, आई थिंक ये भी 10 लाख के ऊपर जा रहा है। 3 लाख प्लस 3,50,000, 6,50,000 और 4 लाख, 10,50,000, 10 लाख के ऊपर जा रहा है, तो 1, 3 और 6 भी नहीं बन सकता, ठीक है। चलो ठीक है, 1, 4, 5 का देखो बना सकते हैं क्या, 1, 4, 5 का, 1, 4 और 5 का अगर बनाते हैं, ठीक है, तो आई थिंक 10 लाख के ऊपर जा रहा है, चेक करो एक बार, 3 लाख, 4,50,000, ये हो गया 7,50,000 और 9,50,000, तो 1, 4, 5 का तो नहीं बन रहा है, 1, 4, 6 का चेक कर रहे हैं ना हम लोग, 1, 4, 6 का, 1, 3 लाख है, 4,50,000 है और 6 का 4 लाख है, 10 लाख के ऊपर जा रहा है, तो 1, 4 और 6 का भी नहीं बन सकता, ठीक है, क्योंकि 10 लाख के ऊपर जा रहा है, राइट। तो 1, 5, 6 का देखो बन सकता है क्या, 1 का 3 लाख, इसका 2 लाख और इसका 4 लाख, 10 लाख से कम है टोटल, 9 लाख हो रहा है। तो हमने 1, 5, 6 कॉम्बिनेशन का एक कॉम्बिनेशन बनाया, टोटल कॉस्ट उसकी 9 लाख हो रही है, यहां से एनपीवी प्लस कर लो, ये 1, 5 और 6 का तो 1,26,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 1, 5, 6 हो गया। उसके बाद देखो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, वो चीज वापस बताता हूं, ध्यान रखना, अगर मेरा कॉम्बिनेशन 1, 3, 5 का बन चुका है तो फिर 1 और 3 का कॉम्बिनेशन मत बनाओ, 1, 5 का मत बनाओ और 3 और 5 का मत बनाओ। यहां से 1, 5, 6 का हमारा कॉम्बिनेशन बन गया है, 1, 5 का मत बनाओ, 1, 6 का मत बनाओ और 5 और 6 का मत बनाओ, ठीक है। तो हमने कॉम्बिनेशन बनाया है 1, 4 का, 1 और 4 का, ठीक है। 1, 3 का हम लोग नहीं बना रहे क्योंकि ऑलरेडी 1, 3 यहां पे आ गया है, 1, 4 का हम बना रहे,
वन का 3 लाख है और फोर का 4,50,000 है, मतलब 7,50,000 हो रहा है कॉस्ट, उसका एनपीवी आ गया। फिर हमने 3, 4, 5 का बनाया, 3, 4, 5 का बनाया, राइट। 3, 4, 5 का 10 लाख आ रहा है टोटल कॉस्ट, एनपीवी 1,91,000 आ रहा है। 3, 4, 5 का बनाया, 3, 4, 6 का देखो बन सकता है क्या, तो 3, 4, 6 का नहीं बन सकता क्योंकि 10 लाख के ऊपर जा रहा है, राइट। तो इतने कॉम्बिनेशन हमारे पॉसिबल है। वापस बताता हूं, दो चीजें ध्यान में रखो, एक कॉम्बिनेशन की टोटल कॉस्ट 10 लाख के ऊपर नहीं जाना चाहिए, पॉइंट नंबर टू, कॉम्बिनेशन के अंदर जो प्रोजेक्ट तुमने लिए है उस वो कॉम्बिनेशन के अंदर के प्रोजेक्ट लेकर कॉम्बिनेशन मत बनाओ। 1, 3, 5 से मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है तो 1, 3 का नहीं बनाने का, 3, 5 का नहीं बनाने का, 1, 5 का नहीं बनाने का, 3, 5 का नहीं बनाने का, ठीक है। चल अब सिंपल चेक करना है कौन सा एनपीवी ज्यादा है, तो देख लो 1,91,000 एनपीवी ज्यादा है, राइट। तो हाईएस्ट कॉम्बिनेशन इज 1,91,000, तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट 3, 4 एंड 5। देयरफॉर एस लिमिटेड इज एडवाइज टू अंडरटेक इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट 3, 4 एंड 5, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यूज द इंफॉर्मेशन, अभी ना इसमें एक चीज देखना, ये पहले 3 क्वेश्चन जो थे तीनों क्वेश्चन में प्रोजेक्ट्स इनडिविजिबल थे, डिविजिबल का एक भी क्वेश्चन आया नहीं, राइट। मैंने थोड़ा सा चेंज किया है क्वेश्चन नंबर 3 को ताकि एक क्वेश्चन अपना डिविजिबल वाला भी हो जाए। तो देखना, यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन 3, एक्सेप्ट दैट प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल, स्टेट विच प्रोजेक्ट वुड यू रिकमेंड एंड ऑल्सो फाइंड टोटल एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट सेलेक्टेड, ठीक है। द प्रोजेक्ट डिविजिबल है यानी सिचुएशन 1 के हिसाब से हमको करना पड़ेगा, राइट। सिचुएशन 1 के हिसाब से सबसे पहले अपने को चेक करना है कैपिटल रैशनिंग एग्जिस्ट है कि नहीं, तो यस एग्जिस्ट है। उसके बाद हमको पीआई फाइंड आउट करना है सारे प्रोजेक्ट्स का, और पीआई फाइंड करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर नहीं दिया होता है तो हमको पीआई फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे तो दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग रैंक्स रैंकिंग देंगे, रैंक्स करेंगे प्रोजेक्ट को हाईएस्ट टू लोवेस्ट के हिसाब से, और फिर हम लोग प्रोजेक्ट को चूज करेंगे सेलेक्ट करेंगे रैंक के हिसाब से, ठीक है। आ जाओ आंसर देखते हैं, ठीक है। कमांड क्वेश्चन नंबर 4 ऑलरेडी देखना, पीआई क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। पीआई क्वेश्चन में है तो इसको हमने रैंक 1 बना दिया, हाईएस्ट पीआई, इसको रैंक 2 बना दिया, इसको रैंक 3 बना दिया। अब आप बोलेंगे कि इसको 1.2 और 1.2 दोनों सेम है तो इसको रैंक 2 क्यों बनाया, इसको क्यों नहीं बनाया, राइट। तो देखना, इसका एनपीवी ज्यादा है, 3 का एनपीवी ज्यादा है, 5 का एनपीवी कम है। यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया था 3 का एनपीवी ज्यादा है, 5 का एनपीवी कम है, इसलिए हमने 3 को रैंक 2 दिया है, प्रोजेक्ट 3 को रैंक 2 दिया है, इसको रैंक 3 दिया है, राइट। प्रोजेक्ट 4 रहेगा रैंक 4, प्रोजेक्ट 6 रहेगा रैंक 5, प्रोजेक्ट 2 को हमने कोई भी रैंक नहीं दिया है क्योंकि उसका एनपीवी नेगेटिव है, उसको हमको सेलेक्ट करना ही नहीं है, ठीक है। तो आ जाओ आंसर देखना, कि हमने रैंक्स दिए हैं, प्रोजेक्ट 1 को फर्स्ट रैंक, प्रोजेक्ट 3 को सेकेंड रैंक, प्रोजेक्ट 5 को थर्ड, प्रोजेक्ट 4 को फोर्थ रैंक दिया, प्रोजेक्ट 6 को फिफ्थ रैंक दिया। ये उनका पीआई, देखना हाईएस्ट टू लोवेस्ट, ठीक है। ये उसका कॉस्ट है जो क्वेश्चन में से हमने कॉपी किया है, और ये उसका एनपीवी हमने दिखाया है, राइट। अब सेलेक्ट कैसे करना है, रैंक वाइज हमको सेलेक्ट करना है, तो इट मीन्स हम लोग सबसे पहले रैंक 1 सेलेक्ट कर लेंगे यानी प्रोजेक्ट 1, उसका कॉस्ट 3 लाख रुपए है। फिर हम रैंक 2 सेलेक्ट करेंगे, दैट इज प्रोजेक्ट 3, उसकी कॉस्ट 3,50,000 है। फिर हम लोग प्रोजेक्ट 3 सेलेक्ट करेंगे यानी सॉरी रैंक 3 यानी प्रोजेक्ट 5 सेलेक्ट करेंगे, उसकी कॉस्ट है 2 लाख। ये तीनों प्लस करके देखना, ये हो जाता है 8,50,000, ये तीनों प्लस कर लिया तो, राइट। अगर मैं 4,50,000 भी इसमें ऐड कर लूं यानी मैं रैंक 4 भी सेलेक्ट कर लूं तो ये 10 लाख के ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास कैश इन हैंड 10 लाख ही है। इसका मतलब हम रैंक 4 यानी प्रोजेक्ट 4 पूरा एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। लेकिन क्योंकि प्रोजेक्ट डिविजिबल है,
हम लोग इसका फ्रैक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखना कि तीन तो हमने कंप्लीटली सेलेक्ट कर लिया है, 100% सेलेक्ट कर लिया है, ये तीनों मिलाकर कॉस्ट होता है 8,50,000। हमारे पास टोटल कॉस्ट, टोटल कैश 10 लाख रुपए है। 10 लाख में से 8.5 लाख रुपए तो ये तीनों प्रोजेक्ट में चले गए। हमारे पास अब कैश इन हैंड बचता है 1,50,000, राइट। अगला रैंक जो है उसकी कॉस्ट 4,50,000 है, मेरे पास कैश इन हैंड है 1,50,000। अगर मैं इसको डिवाइड करूं, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 4,50,000, तो हम लोग 0.333 प्रपोर्शन, या उसको हम 1/3 भी बोल सकते हैं, हम रैंक 4 का 1/3 प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना आंसर देखना, वी रेकमेंड प्रोजेक्ट 1, ये वाला प्रोजेक्ट 3 एंड प्रोजेक्ट 5, पहले तीन रैंक एंड फोर्थ रैंक वाले का 1/3 सेलेक्ट करेंगे। कैसे 1/3 आया, तो हमारे पास 1,50,000 रुपए कैश बच गया था, टोटल कैश, टोटल कॉस्ट 4,50,000 है इसकी, यानी इसका हम लोग 1/3 एक्सेप्ट कर सकते हैं, 1/3 ऑफ प्रोजेक्ट 4, राइट। प्रोजेक्ट डिविजिबल है तो ये पॉसिबल है, अगर प्रोजेक्ट इनडिविजिबल है तो ये फ्रैक्शन वाला पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में हमको बोला था ऑल्सो फाइंड एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट सेलेक्टेड, ठीक है, इसका एनपीवी फाइंड करना है। तो हमने ये प्रोजेक्ट 1 सेलेक्ट किया था, 66,000 एनपीवी मिलेगा, प्रोजेक्ट 3 सेलेक्ट किया था 70,000 मिलेगा, प्रोजेक्ट 5 सेलेक्ट किया था 40,000 एनपीवी मिलेगा, और प्रोजेक्ट 4 का 1/3 सेलेक्ट किया है हमने, फिर उसके एनपीवी का भी अपने को 1/3 ही मिलेगा ना, 81,000 का 1/3 किया, 27,000 एनपीवी हमको मिलेगा। टोटल प्लस कर लिया तो ये जो सारे प्रोजेक्ट्स हमने सेलेक्ट किए हैं उसका टोटल एनपीवी आएगा 2,03,000, ठीक है। अब आंसर में देखो क्या डिफरेंस आता है, सेम क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, उसको हमने यहां पर सॉल्व किया था इनडिविजिबल अज्यूम करके, यहां पर हमने सॉल्व किया है डिविजिबल अज्यूम करके। आप देखना एनपीवी डिफरेंट है, जब इनडिविजिबल था तो 1,91,000 एनपीवी आया था, ये 3, 4, 5 हमने सेलेक्ट किया था, यहां पर हमने 1, 3, 5 और प्रोजेक्ट 4 का 1/3 सेलेक्ट किया, अपना एनपीवी ज्यादा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना है अच्छे से, कि जब प्रोजेक्ट डिविजिबल होता है, जब प्रोजेक्ट डिविजिबल होता है तो हमारे पास कैश इन हैंड कुछ बचता नहीं है। क्यों नहीं बचता है, क्योंकि अगर कैश इन हैंड बचता है तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट रैंक वाले का फ्रैक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहां पर मैंने पहले तीन पूरे सेलेक्ट कर लिए थे 8.5 लाख रुपए, 1.5 लाख बचा हुआ था मेरे पास, तो 1.5 लाख में से मैंने क्या किया, अगले प्रोजेक्ट का फोर्थ रैंक वाले का 1/3 सेलेक्ट कर लिया। यहां पे डिविजिबल वाले केस में कैश बचना ही नहीं है, लेकिन अगर इनडिविजिबल वाला क्वेश्चन है तो हो सकता है कि हमारे पास कैश इन हैंड बच जाए। जैसे ये क्वेश्चन में 10 लाख रुपए हमारे पास थे, हमने जो प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया था 3, 4 और 5, तो देखो 3, 4 और 5 सेलेक्ट किया तो हमारे 10 लाख रुपए पूरे खत्म हो गए, पर हो सकता था कि यहां पर कुछ कैश बच जाए, ठीक है, यहां तो बचा नहीं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ कैश बचा था क्या, क्वेश्चन नंबर टू में हमारे पास 6 लाख रुपए थे, 6 लाख रुपए थे, हमने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया था एम एन और पी, हाइएस्ट एनपीवी वाला कॉम्बिनेशन एम एन और पी, देखो उसका कॉस्ट भी 6 लाख ही था, यानी जितने हमारे पास थे उतने पूरे यूटिलाइज हो गए, ठीक है, यहां पर भी यूटिलाइज हो गए। 1 चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 25 लाख थे, हमने ए एंड बी सेलेक्ट किया था तो ए और बी का मिलाकर भी 25 लाख हो गया। कोइंसिडेंटली क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तीनों क्वेश्चन में जितना हमारे पास कैश इन हैंड था उतना पूरा यूज हो गया, लेकिन पॉसिबल है कि जैसे अगर ये एग्जांपल लो कि ए और बी का मिलाकर मान लो 24 लाख ही होता टोटल कॉस्ट, राइट, और उसका एनपीवी हाईएस्ट होने के वजह से हमने ए और बी ये कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर लिया, लेकिन हमारे पास कैश इन हैंड 25 लाख है
और ए और बी का मिलाकर 24 लाख में ही मेरा काम हो गया। इसका मतलब कि मैंने ए और बी सेलेक्ट तो कर लिया, पर अब मेरे पास 1 लाख रुपया और बचा हुआ है। अब मैं 1 लाख रुपया यहां से सी और डी में यूज नहीं कर सकता हूं, सी और डी में यूज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि यहां पर प्रोजेक्ट डिविजिबल नहीं है, इनडिविजिबल है, राइट? तो ऐसे केस में दो ऑप्शन तुम्हारे पास है, कि या तो वह 1 लाख रुपए तुम्हारे पास बचा हुआ है उसको आप वैसे ही छोड़ दो, अनयूटिलाइज छोड़ दो, ठीक है, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि वो 1 लाख रुपए को कहीं और इन्वेस्ट करो और उससे जो एनपीवी मिलेगा वो एनपीवी भी इसमें जोड़ दो। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। डिविजिबल वाले केस में कैश बचेगा ही नहीं, अगर बचेगा तो आप क्या करेंगे, अगले रैंक वाले का फ्रैक्शन ऑफ प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेंगे। इंडिविजिबल वाले केस में कैश बच सकता है, पॉसिबल है, अगर बचता है तो बाहर कहीं इन्वेस्ट करो, उसका एनपीवी जो भी आएगा वो इसमें जोड़ दो, इसमें ऐड कर लो, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, ये वाले क्वेश्चन में भी शायद हमने ये एक पॉइंट इग्नोर किया, देखा नहीं था। प्रोजेक्ट बी और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी बी और सी एक ग्रुप में नहीं आ सकते। तो आप देखो, हमने बी और सी का कोई भी कॉम्बिनेशन बनाया ही नहीं, ठीक है? चल, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आपके मॉड्यूल्स में जितने भी क्वेश्चन हैं उसको प्रैक्टिस करो, अगर उसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताओ, मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा, ठीक है? थैंक यू।